हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में मुख्यतः चार युगों का उल्लेख मिलता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग। द्वापर युग के उत्तरार्ध में भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को भगवान कृष्ण कंस की जेल में प्रकट हुए। हम सभी जानते हैं कि उनके इस पवित्र दिन को जन्माष्टमी कहा जाता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र की समाप्ति और पांडवों के चले जाने के बाद कलियुग का आरंभ होता है। हमारी शास्त्रीय अवधारणा के अनुसार इस कलियुग के बाद पुनः सत्ययुग का प्रारंभ होगा। इस कलियुग के बारे में पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कलियुग का स्वरूप क्या होगा, यह कलियुग कब शुरू होगा और क्या यह कलियुग समाप्त होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को एक जंगल में ले गए और कहा कि तुम पांचों पांडवों से इस जंगल की पांचों दिशाओं में अलग अलग यात्रा करना शुरू करो और अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने के बाद जो पहली घटना तुम्हें दिखे उसे आकर मुझे बताना। परम भगवान कृष्ण के शब्दों के अनुसार पंच पांडवों ने जंगल की पांच दिशाओं में अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले युधिष्ठिर लौटे। उन्होंने कृष्ण को एक विचित्र घटना सुनाई। उसने दो खुरों वाले एक हाथी को पानी में खेलते हुए देखा। इस घटना को देखने के बाद वह भगवान कृष्ण के पास आए और पूरी घटना बताई और भगवान कृष्ण से उस विचित्र दो सींग वाले हाथी के स्वभाव के बारे में पूछा। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग ऐसे ही होंगे, कलयुग में अधिकांश लोग झूठे और स्वार्थी होंगे, भले ही वे एक ही बात कहें लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल अलग होगा, यानी कथनी, प्रतिज्ञा और करनी में कोई मेल नहीं होगा। तब भीम ने वापस आकर भगवान कृष्ण को अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक गाय को अपने बछड़े को चाटते और सहलाते देखा, लेकिन बछड़ा इस हद तक चाट रहा है कि बछड़े की त्वचा से खून निकल रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में माता पिता का अपने बच्चों के प्रति अंधा प्रेम और स्नेह उनके बच्चे के नुकसान का कारण बनेगा। दूसरी ओर अर्जुन ने वापस आकर कृष्ण से कहा, एक गिद्ध जिसके विशाल आकार के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं लेकिन गिद्ध नर का मांस खा रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण जानना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में पाखंडी साधुओं की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात देश में जितने भी लोग बुद्धिमान माने जाएंगे उनमें से अधिकांश गिद्ध प्रवृत्ति के ही होंगे। सबसे बढ़कर जो बुद्धिमान लोग अधिक धार्मिक हैं वे वास्तव में स्वयं धर्मत्यागी होंगे। तब नकुल वापस आए और भगवान कृष्ण को अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने कृष्ण को बताया कि पर्वत से एक विशाल शिला नीचे गिर रही है, कोई भी पेड़ उसे रोक नहीं पा रहा था, चट्टान भयानक गति से नीचे की ओर बढ़ रही थी। कुछ देर तक इसी तरह नीचे उतरते रहने के बाद वह पत्थर एक झाड़ी या छोटे पेड़ के नीचे रुक गया और अपनी तांडव लीला रोक दी। जब यह घटना श्री कृष्ण को बताई गई तो श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य के पापों का आकार उस पत्थर के समान होगा जो उसके जीवन को नष्ट कर देगा, पूरे समाज को विनाश की ओर ले जाएगा। परंतु यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो मैं उसकी सब विपत्तियों से रक्षा करूंगा, अर्थात उस छोटे वृक्ष की भांति यदि कोई मेरी पूजा करेगा तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब सहदेव ने कृष्ण को अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने जंगल के बीच में कई कुएं देखे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से सबसे गहरे कुएं में पानी नहीं है। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में समाज के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली लोग ही सबसे अधिक शोषण करेंगे। जो लोग निचले स्तर के हैं वे मौज मस्ती और मनोरंजन तथा सुरसा, तंबाकू आदि पर बहुत पैसा खर्च करेंगे और जो लोग समाज में पिछड़े हैं उनके लिए केवल लापरवाही होगी। इसलिए कली में गरीबों का शोषण प्रबल होगा, अमीर लोग निर्णय की न्यूनतम समझ खो देंगे। श्री कृष्ण ने वर्तमान युग के बारे में जो समझाया है और उनके हर तर्क से बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा वह भी सत्य है। इस प्रकार यह समझना कठिन नहीं है कि हम अपना विनाश और भी निकट ला चुके हैं। हम इसके ज्वलंत उदाहरण निकट ही देखते हैं। इसलिए पाप के इस युग से बचने का एकमात्र तरीका कृष्ण की पूजा करना है। केवल कृष्ण ही हमें सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। प्रतिदिन गीता पढ़ें और साथ ही कृष्ण मंत्र में डूब जाएं। दिन में कम से कम एक बार कृष्ण मंत्र का जाप करें।
हमारे सभी धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि भगवान कृष्ण कलयुग में कब प्रकट होंगे। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार कल्कि अवतार होगा। कलयुग के अंत में कल्कि नामक ब्राह्मण के घर सुमति नामक ब्राह्मण कन्या के गर्भ में कल्कि अवतार होगा, विष्णु यानी सुमति की चौथी संतान। शास्त्रों के अनुसार अभी कलयुग का समय नहीं आया है, लेकिन जुड़े हुए चक्रों की अवधि की जटिल गणना से पता चलता है कि प्रत्येक युग 12,000 वर्ष लंबा है, तो एक युग 3,000 वर्ष का होता है। उस गणना के अनुसार पता चलता है कि सतयुग का आरंभ 12,676 ईसा पूर्व में हुआ था, और उस गणना से महाभारत काल की तुलना करने पर पता चलता है कि कलयुग का अंत 2025 ई से प्रारंभ होगा। लेकिन पारंपरिक मान्यता के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष होगी। परिणाम स्वरूप उस गणना के अनुसार कल्कि अवतार के जन्म में अभी बहुत देर है, लेकिन कलयुग में पाप से बचने और पुण्य प्राप्त करने का एकमात्र तरीका हरिनाम और पवित्र गीता पढ़ना है।